सो देखिए, आप में से जो भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है। ठीक है, आप अगर फर्स्ट ईयर में हो देन तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो देन आप इसे फॉलो कर सकते हो, फोर्थ ईयर में तो लाइक आपका कॉलेज खत्म होने चला है। ठीक है, तो स्पेशली ये उनके लिए है जो फर्स्ट ईयर में जस्ट एंट्री किए हैं या लेट से आप सेकेंड ईयर में हो। ठीक है, अगर ये फॉलो करते हो देन आपका जो अपकमिंग ईयर्स है, लाइक सपोज आप जब कॉलेज से पास आउट हो जाओगे, अगर ये बात लाइक अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें इम्पोर्टेंस ही दोगे देन काफी काफी इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो मैं जो बातें बताने वाला ना उसको जरा ध्यान से समझो, सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसे कॉलेज चल रहा है, ठीक है, आप रेगुलरली कॉलेज विजिट कर रहे हो, विजिट करने के बाद आपका लाइक जो भी कुछ स्टडी है, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, एंड देन वापस लाइक आप घर आ रहे हो, एंड देन आप दोबारा इस लूप को फॉलो कर रहे हो या सर्किल फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अब सपोज आपका ठीक है, अब देखो अगर मैं मान के चलता हूँ, अगर कोई सेक्शन में अगर टोटल 100 स्टूडेंट है, ठीक है, तो 100 में से अगर देखा जाए तो जनरली जो टॉप के लाइक जो 10 या 15 स्टूडेंट होते हैं वो लाइक सीजीपीए जो है 9+ तो ला ही लेते हैं। ठीक है, एंड बाकी जो एवरेज स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा एवरेज का संख्या होता है, ठीक है, लाइक 60 से 70 एवरेज होते हैं, एंड बाकी लाइक जो काफी बिलो एवरेज होते हैं। ठीक है, अब जो 60 70 होते हैं, इनमें प्रॉब्लम क्या होता है जानते हो ना, ये एक जगह पर बंधे रह जाते हैं, समझ में नहीं आते कि लाइक मैं यहाँ पर जा सकता हूँ तो नहीं जा सकता हूँ, या मैं तो ये कैटेगरी नहीं हूँ तो मैं तो यहाँ पर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि कॉलेज के दौरान अब ये मत सोचो कि अगर मैं ऐसा करूंगा वैसे करूंगा देन जॉब प्राप्त करूंगा सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका ड्रीम काफी हाई है देन आपको कुछ चीजें सीखना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि अगर आप प्लेसमेंट प्राप्त कर भी लेते हो तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही चलने वाला है। ठीक है, आपके साथ साथ कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो कि आपको प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट बना दे, जॉब इंडिपेंडेंट बना दे, ऐसा ना लगे कि हाँ मैं अगर जॉब कर भी रहा हूँ तो मैं कहीं पर स्टक हो गया हूँ। ठीक है, ऐसा कभी माइंड प्रेशर ना। अगर आप चाहते हो कि लाइक मैं अगर 30 इयर्स 35 इयर्स तक मैं ठीक ठाक तक इनकम करूंगा तो ठीक है, यू कैन स्पेंड दिस टाइप ऑफ लाइफ, बट अगर आप चाहते हो कि लाइक एट अर्ली स्टेज लाइक 25 26 के करीबन जो एज है वहां पर ही अगर मैं अच्छे चीजें को प्राप्त करना चाहता हूँ देन कॉलेज इज द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, नए नए चीजों को सीखो। अब प्रॉब्लम क्या था, स्टूडेंट समझ नहीं पाते है कि मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट किस फील्ड में है, कहाँ पर मेरा इंटरेस्ट बैठ रहा है। तो देखो, जब तक आप चीजों में टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, वैसे आप में से जो भी व्यूअर्स हो, आपके लिए काफी गुड न्यूज है, तो ये है कि फिजिक्स वाला ने आपके लिए एक्सक्लूसिव दिवाली ऑफर लेकर के आई है, तो आपका लाइक जो भी फेवरेट बैच है आप आज ही रजिस्टर कर सकते हो। ये लिस्ट ऑफ बैचेस आप देख सकते हो स्क्रीन पर, तो ये बैचेस है एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस मेंशन कर दिया गया है, वैसे कूपन कोड भी है, आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हो ना आपको एक्स्ट्रा ₹500 ऑफ मिल रहा होगा, एंड देखो यहाँ पर आपको खजाना भी मिल रहा होता है। खजाना का खास बात यह है कि यहाँ पर आपको और एड ऑन फीचर मिलते हैं, जो पीडब्ल्यू का जो ऐप है वहां पर विजिट कीजिए, आपको वहां पर लेक्चर प्लानर एंड टेस्ट प्लानर मिल जाएगा जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डिंग बैच में इंटरेस्टेड है। बता दो, जो क्लासेस आपका मंडे टू फ्राइडे होगा, यहाँ पर कोई एमसीक्यू एमएसक्यू नेट्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि गेट पैटर्न से मिलते हैं, लाइव लेक्चर्स मिलेगा बाय बेस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट भी मिल रहा होगा, एंड जी लाइव डिस्कशन होता है जो भी आपका प्रैक्टिस सीट रहता है। ठीक है, एंड डाउट इंजन भी है, लाइक आपका जो भी कुछ क्वेरी है आप रेज कर सकते हो, रेगुलर टेस्ट होगा सूरत आपका जो पोटेंशियल है कि कहाँ तक पहुंचे वो चेक हो सके, एंड जो PYQ है ना वो क्विज फॉर्मेट में को मिलेंगे विद डिटेल वीडियो सॉल्यूशन जो भी आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है, एंड जी पीडब्ल्यू गेट वाला का खुद का ही एक टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है जहाँ पर सारे सब्जेक्ट की आपको डिटेल PYQ मिलेगा वीडियो के फॉर्म में। ठीक है, मैंने एक डिटेल डेडिकेटेड रिव्यू बनाया यूट्यूब पर, ठीक है, आपको सिंपली सर्च करना है पीडब्ल्यू बुक रिव्यू बाय अडुलभ्या, आपको डिटेल डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर लाइक मैंने रिव्यू कर रखा है बुक का। सो बिना वेट किए आज ही इस दिवाली ऑफर को एक्सेस कीजिए, एंड मैंने बताया जो भी बैच में आपका इंटरेस्ट बनता है आप उसमें रजिस्टर कीजिए, एंड एक कूपन कोड है, कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए, आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिलेगा। सब कुछ लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो जाइए आज ही रजिस्टर कीजिए। एंड प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम लोग कोई नया चीज सीख भी रहे हैं तो उस पर ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, लाइक सपोज आपने 10 दिन दिया 20 दिन दिया, नहीं समझ में रहा है आपने छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं करना है। अगर कोई नया चीज एक्सेप्ट कर भी रहे हो अपने लाइफ में,
ट्राई कीजिए उस पर एटलीस्ट 2 महीना या 3 महीना देने का। उसके बाद डिसाइड करो कि क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी लग रहा है 3 महीना बाद कि हाँ ये मुझे नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन डिसकंटिन्यू इट। बट अगर अर्ली में डिसाइड कर लो कि 10 दिन या 20 में करना चाहिए डिसकंटिन्यू, तो ये सही चीज़ नहीं है। सो जो एल्गोरिदम है जो बाकी लोग जो फॉलो कर रहे हैं कि लाइक कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, CGPA अच्छा बढ़िया ला रहे हैं, प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, देन गेटिंग अ जॉब एंड देन डूइंग जॉब आफ्टर 1 ईयर आप वही कर रहे हो, 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर वही कर रहे हो, ऐसा अगर सोचे हो देन सही नहीं है। मैंने देखा भी है लाइक कई से व्यक्ति है जो इवन 6 to 7 ईयर्स तक काम कर रहे हैं बट स्टिल दे आर इन द सेम लोक लाइक गोइंग टू ऑफिस एंड कमिंग बैक टू होम, गोइंग टू ऑफिस कमिंग बैक टू होम। तो अगर ऐसा चाहते हो देन ठीक है, बट आप ऐसा चाहते हो कि आपको इंडिपेंडेंट बना दें, अपने लिए समय रहे, ठीक है, यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम इन समथिंग एल्स, देन कॉलेज इज द बेस्ट है। एंड कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ये जो होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एंड स्टूडेंट ये जो फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है, खास करके जो फर्स्ट ईयर है इसमें काफ़ी कैजुअली समय निकाल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। सेकेंड ईयर में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड थर्ड ईयर में आपको और एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये एक फ्लो होता है। अगर ये सोचो कि लाइक मैं थर्ड ईयर में जाऊंगा तो मैं सोचूंगा इंप्लीमेंट करूंगा उसको फ्लो में लेके जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है, समझ देना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में सोचो, सेकेंड ईयर में इंप्लीमेंट करो, थर्ड ईयर में आप जो कर रहे हो उसको और आगे बढ़ा के लेके जाओ, ठीक है। एंड लाइक इन द फोर्थ ईयर यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनी थिंग। ओवरऑल वीडियो का यही इंटेंशन था, ठीक है, जो भी फर्स्ट ईयर के है जो सेकेंड ईयर के है, ट्राई टू एक्सप्लोर एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल एंड वेन एवर यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू उसको जल्दी से डिसकंटिन्यू मत कर दो, एटलीस्ट गिव सम टाइम 2 मंथ्स 3 मंथ्स, ठीक है। स्टूडेंट मुझसे अक्सर पूछते कि लाइक ये जो स्किल है, सपोज लेट्स से मशीन लर्निंग है, ठीक है, क्या मुझे करना चाहिए। अब देखो मे बी आप अगर करोगे तो आपके में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है, या नहीं भी हो सकता है, तो पहले आप देखो, ठीक है, 2 महीना 3 महीने टाइम दो। अगर लग रहा है कि हाँ इसको मैं आगे लेकर जा सकता हूँ कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज लग रहा है कि हाँ इसको मैं नहीं लेकर जा सकता देन आप चाहो तो जो एकेडमिक्स का सिलेबस है वही तक रखो, ठीक है। एंड जो बाकी जो न्यू जो टेक्निकल स्किल्स है आप उसको अपना सकते हो, सीख सकते हो। सो आई होप आपको समझ में मैं क्या बताना चाहता हूँ। कुछ अगर डाउट है कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा जो भी कुछ आपका क्वेरी है जल्दी रिस्पॉन्स कर देने।